नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार में उद्योग की कितनी कमी है ये हम सब जानते हैं। किस तरीके से युवा हमेशा बिहार सरकार से उद्योग बढ़ाने के लिए हमेशा मांग करती है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं हमेशा चूक जाती थी। फिलहाल अभी भी कुछ स्थिति जो है ज्यादा सही नहीं हुई है, लेकिन इस पे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बिहार सरकार की तरफ से साफ तौर पे आके कहा है कि बिहार में अब उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही साथ बाहर से भी निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है, उन्होंने बिहार सरकार की तरफ से आके क्या कुछ कहा है, निवेशक को किस तरीके से आमंत्रण दे रहे हैं, पहले आप वो सुने कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री फैक्ट्रीज आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ रोज़गार उपलब्ध हो। इसके तहत हम लोगों ने कई पॉलिसी जो है नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने लाने का काम किया है, और इसको लेकर के एक माहौल भी बनाया गया है जहाँ जितने भी इन्वेस्टर्स है, सरकार बनने के साथ ही साथ हम लोगों ने सभी इन्वेस्टर्स को बुलाया था जो बिग पार्टीज़ हैं, जो निवेश में बिहार में रुचि रखना चाहते हैं, और सबका एक पॉजिटिव फीडबैक आया था, चाहे पॉलिसीज़ को लेकर के हो या सुरक्षा देने की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, हर तरीके से बिहार जो है एक अनुकूल माहौल बिहार में बना है। साथ ही साथ प्लग एंड प्ले है, टेक्सटाइल का है, इन सारी चीज़ों में जो है हम लोगों का सरकार जो है अलग अलग पॉलिसीज़ ला करके निवेशकों को लुभाने का काम कर रही है। काफ़ी अच्छी पॉलिसीज जो है सामने आई हैं, और जहां एक चनपटिया जहां प्लग इन प्ले काफ़ी सफल रूप से काम आया है, जहां कोविड में जो मजदूर जो आए थे आज वो काम कर रहे हैं वहां, और पहले जिस राज्य में काम करते थे, गुजरात हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या दक्षिण के राज्य हो, पहले वहाँ मजदूर थे, यहाँ जब प्लग एंड प्ले सरकार ने सुविधाएं लोगों को दी है, पॉलिसी बनाई है, तो जो मजदूरी क्या करते थे दूसरे राज्य में, आज अपने राज्य में वो मालिक हैं, और उनका टर्नओवर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, उनको काफ़ी बिजनेसेस भी मिल रहे हैं। और ये खुशखबरी है, जो मजदूर जो दूसरे राज्य में रह करके मजदूरी करता है, वो बिहार में अगर आकर के मालिक बन जाता है किसी कंपनी का और वो काम शुरू करता है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती। और काफ़ी लोग इसमें गंभीरता से बिहार को ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार को जो है एक अच्छा निवेश लोग जो हैं करने यहाँ पहुँचेंगे, और उसी की तैयारी। तो देखा आपने किस तरीके से बिहार सरकार की तरफ से फ्रंट फुट पे आके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है बाहर से निवेशकों को आमंत्रण दे रहे हैं कि वो यहाँ आए, अपने यहाँ पे उद्योग में अपनी सहायता करें और साथ ही साथ यहाँ पे उद्योग को बढ़ावा देने का काम करें। तो आगे किस तरीके से उद्योग के क्षेत्र में क्या कुछ प्लान है बिहार सरकार की, वो सब भी आगे देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।